थर्ड सब जूनियर कैडेट जूनियर सीनियर वेटरन ग्रैपलिंग हिमाचल प्रदेश स्टेट चैंपियनशिप 2023-24 का आयोजन शिमला स्थित इंदिरा गांधी खेल परिसर में ग्रैपलिंग कमेटी जिला शिमला द्वारा किया गया। शनिवार संपन्न हुई दो दिवसीय चैंपियनशिप में 7 जिलों की टीमों ने भाग लिया, जिसमें लगभग 300 से अधिक खिलाड़ियों ने विभिन्न आयु वर्ग में विभाजित श्रेणियों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। ग्रैपलिंग खेल के राज्य अध्यक्ष राजकुमार परमार ने प्रतियोगिता की विस्तृत जानकारी दी। आज हमारे यहाँ शिमला में इंदिरा गांधी स्टेडियम पर ग्रैपलिंग की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता चालू है और ग्रैपलिंग कमेटी के इंडिया के अध्यक्ष श्री दिनेश कुमार जी पधार चुके हैं और ग्रैपलिंग कमेटी के इंडिया के महासचिव बृजू शर्मा जी भी यहां पधार चुके हैं। और ये जो हमारा खेल है ये कुश्ती संघ के साथ रिलेटेड है और कुश्ती संघ के साथ रिकॉग्नाइज है और इस वक्त इसमें कम से कम 300 बच्चे भाग ले रहे हैं और मैं आशा करता हूं कि आगे इस खेल को बहुत ये इसमें फ़ायदा होगा, बच्चों को स्पोर्ट्स से जो भी स्पोर्ट्स कोटा मिलता है वो मिलेगा, हर प्रकार की सरकार भी हमारी सहायता करेगी। हमारे को खेल मंत्री ने जिन्हें एक आश्वासन दिया है कि मैं इस खेल को बहुत ऊपर ले जाऊंगा और जो भी आपकी सहायता होगी मैं करूंगा, तथा हमारे जो अध्यक्ष और महासचिव हैं उनकी तरफ से भी हमारा हिमाचल के प्रति बहुत योगदान है और हम इस खेल को ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्धियों पर ले जाएंगे, क्योंकि ये खेल जो है ऐसे भी मान्यता प्राप्त है, कुश्ती संघ के साथ रिलेटेड है, कुश्ती संघ का ही दूसरा भाग है ये ग्रैपलिंग। ये राज्य स्तरीय प्रतियोगिता है जी, ये यहाँ से 7 डिस्ट्रिक्ट इसमें भाग ले रहे हैं, इसमें मंडी, ऊना, उसके बाद कांगड़ा, हमीरपुर और बिलासपुर, सिरमौर और सोलन डिस्ट्रिक्ट इसमें भाग ले रही है। आगे जाके जो विजेता रहेंगे, अभी हमारी जो है सब जूनियर जो टूर्नामेंट है वो हरियाणा में खेला जाएगा, जो भी विजेता हैं सब जूनियर के वो हरियाणा में खेलेंगे और अभी जो उसके बाद हमारा कैडेट का डिसाइड होगा कि कहाँ जाएंगे, उसके बाद सीनियर का और उसके बाद मेन मैंस और वुमेन्स का टूर्नामेंट, अलग सभी टूर्नामेंट अलग अलग होते हैं, जैसे जैसे इनका मेन्यू आएगा जो यहाँ से सिलेक्ट हो गए वहाँ की वहाँ खेलने जाएंगे। ये 2 दिन की प्रतियोगिता है सर, ये 7 और 6 की प्रतियोगिता है, 7-6 को बंद होने वाली है और 7-8 की प्रतियोगिता है और सर उसके में क्लोजिंग हो गए, आज इसकी क्लोजिंग है वैसे और कल बच्चे अपने अपने घर जो है रवाना हो जाएंगे।